एनजीजीए से यूज 24 भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग। स्थानीय थाना अंतर्गत बड़ा बाजार में बीती रात ज्वेलरी की एक दुकान से सोने और चांदी के गहने की हुई भीषण चोरी। लगभग 4,30,000 रुपए का सामान चोरों ने किया साफ। दुकान संचालक किसी काम से गोरखपुर गया हुआ था और दुकान की देखरेख के लिए चाबी घर पर अपने छोटे भाई को दे रखा था। आज सुबह जब दुकान की साफ सफाई करने के लिए भाई आया तो देखा कि दुकान के सारे सामान गायब हैं। दुकान के पीछे से नकब लगी हुई है। उसने ये सूचना थाने व 112 नंबर पर दिया। पुलिस ने आकर के मौके पर निरीक्षण किया। लगभग 2 बजे फॉरेंसिक यूनिट प्रभारी गिरीश चंद और डॉग स्क्वाड प्रभारी शिव कुमार ने मौके पर पहुंचकर बारीकी से निरीक्षण किया और पत्रकारों से वार्ता में बताया कि मकान के अंदर कटी हुई नकब बहुत ही छोटी है, जिसमें एक बच्चा भी प्रवेश नहीं कर सकता है। अधिकारियों द्वारा बताया गया कि प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध लगता है। बाइट प्रवेश विश्वकर्मा पीड़ित जीजीएस यूज 24 ब्यूरो अतरौलिया आजमगढ़ आशीष कुमार निषाद की रिपोर्ट। प्रवेश विश्वकर्मा, ये क्या आपके यहाँ दुकान में क्या घटना का दिखते हैं? सर ये रात में जो है चोरी लोग सेन काट के आए हैं और रात में सर चोरी किए हैं और सब सुनारी का सामान था सर, कुछ आर्डर का सामान था। रिपेयरिंग के लिए 2 चैन आया था, वो सब सब इसी काउंटर के अंदर रखे थे, सब सर चोरी हो गया सर। कब की घटना घटी है आपको, आपको कैसे जानकारी हुई इसके बारे में? हम सर एक्चुअली थे रहे, हम चले गए थे दोपहर में सर गोरखपुर में हम थे, तो आज सुबह हमको 8 बजे सूचना मिला कि आपकी दुकान में चोरी हो गई। हमारे छोटे भाई ने फ़ोन किया तो हम तुरंत वहाँ से आनंद पानन में तुरंत हम वहाँ से निकल चुके हैं। यहाँ हम आए तो देखे सब चारों तरफ सब बिखरा सामान पड़ा है, चोरी हो गया है सर, कुछ बचा था यहीं की। लगभग कितने तक के थे? लगभग सर 4.5 लाख की। आपको किसी को पर शक है या कहीं चोरों पर, क्या कोई अज्ञात चोर के पर प्रार्थना पत्र आपने जी दिया? जी दिया है, दिए हैं। जीजीएस न्यूज 24 भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग।